पितृपक्ष 10 सितंबर 2022 से शुरू हो गया है। भाद्रपद की पूर्णिमा और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पितृपक्ष कहा जाता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार सबसे पहले अपने पूर्वजों की पूजा करनी चाहिए, इससे देवताओं को प्रसन्नता होती है। वैसे तो मृत्यु तिथि और श्राद्ध किया जाता है, लेकिन अगर तिथि का स्मरण ना हो तो अमावस्या के दिन अश्विन की अमावस्या तिथि पर पूजा की जा सकती है, जिसे सर्व प्रभु अमावस्या भी कहा जाता है। वैसे तो पितृपक्ष में पूरे 15 दिनों तक तिथि के अनुसार पिंडदान किया जाता है, लेकिन नौवीं तिथि के दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध क्रम किया जाता है, इसीलिए इस तिथि को मात्र नौमी श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। मात्र नौमी के दिन पिंडदान उन दिवंगत माताओं, बहुओं और बेटियों को किया जाता है जिनकी एक विवाहित महिला के रूप में मृत्यु हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नौमी तिथि प्रारंभ 18 सितंबर रविवार के दिन शाम 4:30 बजे। नौमी तिथि समाप्त 19 सितंबर सोमवार शाम 6:30 बजे। उदय तिथि के अनुसार 19 सितंबर को दिवंगत महिलाओं का श्राद्ध किया जाता है, जिसे मात्र नौमी कहा जाता है। पितृपक्ष पर श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। पितृपक्ष की नौमी तिथि को दिवंगत महिलाओं की पूजा की जाती है। इस दिन को मात्र नौमी के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दिवंगत माँ, बहनों और बेटियों का श्राद्ध करने से परिवार में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही अगर घर में महिला इस दिन पूजा या व्रत करती है तो उसे सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्राद्ध पक्ष के नौवे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वचित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। यदि आप यह विधि घर में कर रहे हैं तो घर की दक्षिण दिशा में एक चौकी लगाएं और उस पर सफेद रंग का कपड़ा या आसन बिछा दें। इसके बाद अपने परिवार के मृत परिवार यानी कि माँ, दादी, बहन की फोटो चौकी पर लगाएं और उसे फूल की माला चढ़ाएं। इसके बाद उनके सामने काले तिल का दीपक जलाएं। दीप प्रज्वलित करने के बाद अपने पूर्वज की तस्वीर पर गंगाजल और तुलसी दल अर्पित करें। फिर गरुड़ पुराण या श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पूजा के बाद अपने पितरों के लिए भोजन निकालें। पंचबली अर्थात गाय, कोवा, चीटी, पक्षी और ब्राह्मण के लिए भी भोजन निकालें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही ग्रह गोचर त्यौहार से जुड़ी ऐसे ही पल टू पल की अपडेट्स देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ जनसत्ता पर।